हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो इस साल 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और वो उसी का नोट है। इसलिए प्लीज़ ध्यान पूरा वीडियो देखें या सुने, आप लोग की मर्जी, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, कोर्स है 8 नॉलेज एंड करिकुलम, और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं ज्ञान के बारे में, जो भी था नॉलेज। अब हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं, करिकुलम के बारे में, क्योंकि जो कोर्स 8 है ना, इसका नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम। और समझ लीजिए कि इसमें नॉलेज से क्वेश्चन पूछेगा और नहीं तो करिकुलम से क्वेश्चन पूछेगा, बस दो ही से क्वेश्चन पूछेगा और जो पूछ दे। पाठ्यचर्या के चयन एवं निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, किसका वर्णन करना है, करिकुलम के सिलेक्शन एवं इसका जो निर्माण होता है उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, और करिकुलम का जब निर्माण करना चाहिए या उसका जब हम जो चयन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें, इसी का मतलब हम लोग इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा में जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। देखिए, करिकुलम जो है वह ऐसा साधन है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करती है, माने जो हम बनना चाहते हैं उसमें क्या करती है, हमारे लिए एक सीढ़ी का काम करती है। ठीक है, पाठ्यचर्या विद्यालय की मूल आधार होती है, और किसी भी कोई भी स्कूल हो, कॉलेजेज हो, उसका जो मेन बेस होती है करिकुलम ही होती है। चूँकि करिकुलम रहेगा तभी टीचर की भी वैल्यू है, स्टूडेंट की भी वैल्यू है। करिकुलम नहीं है तो टीचर भी नथिंग है, करिकुलम और स्टूडेंट भी नथिंग है। क्योंकि जो परंपरागत जो शिक्षा था पहले का, मैंने अंग्रेजों के आने से पहले का, तो उस समय क्या था, उस समय स्कूल जो भी थे कोई फिक्स जगह नहीं होते थे, कहीं बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, मंदिर में, गुरु के घर पे, और क्या होता था, मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। तो क्या था, उतना सूटेबल नहीं था, तो अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक फिक्स स्कूल को ज़्यादा प्रोग्रेस किया, करिकुलम को ज़्यादा प्रोग्रेस किया। तो कहने का मतलब है करिकुलम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किसी भी विद्यालय की क्या होती है, मूल आधार होती है। इससे टीचर को भी आसानी होती है, स्टूडेंट को भी आसानी होती है, यानी दोनों के लिए फायदेमंद है। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पाठ्यचर्या पर ही केंद्रित होती है, इसीलिए जो हमारा एजुकेशन है उसकी जो होल जो व्यवस्था होती है करिकुलम पर ही क्या होती है, सेंटर्ड होती है। पाठ्यचर्या सदैव पूर्ण नियोजित होती है। देखिए, करिकुलम ये नहीं होता है कि आँख बंद करके बना दिया गया है। जो करिकुलम होता है वो सदैव क्या होता है, प्री प्लान्ड होके बनाया जाता है, मैंने पहले ही उसको प्लानिंग हो जाती है कि कहाँ के लिए करिकुलम तैयार किया जा रहा है, दक्षिण भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए, कि पूर्वी भारत के लिए, कि पश्चिमी भारत के लिए, कि मध्य भारत के लिए, कि किसी देश के लिए। तो जहाँ का करिकुलम तैयार किया जाता है तो पहले उसमें क्या होते हैं, मतलब बहुत ही विद्वान लोग बैठ के, शिक्षा शास्त्री बैठ के क्या करते हैं, अपना मतलब वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि जहाँ का करिकुलम तैयार कर रहे हैं वहाँ के संस्कृति, जाति, लिंग, किसी भी प्रकार के इन भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, और जहाँ का करिकुलम तैयार किया जा रहा है वहाँ का जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाए, वहाँ के संस्कृति से बच्चों को परिचित करवाया जाए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति से बच्चों को परिचित करवाया जाए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। देखिए, यहाँ पे जो शिक्षण अधिगम प्रोसेस होता है मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, यदि उसको सफल बनाना है, अगर स्कूल को बनाना है, चाहे टीचर को बनाना है, चाहे मैनेजमेंट को बनाना है, तो क्या करेगा, करिकुलम का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई स्कूल चाहे कि करिकुलम नहीं है, पाठ्यचर्या नहीं है, और वे अपने यहाँ अधिगम प्रक्रिया को, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसको सफल बना देते, इम्पॉसिबल, वो सफल हो ही नहीं सकता। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यचर्या ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। देखिए, जो करिकुलम हमारा है वो क्या है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का देखिए मतलब क्या होता है कि शारीरिक विकास, उसके बाद मतलब फिजिकल भी विकास होना चाहिए, कॉग्निटिव भी होना चाहिए, ठीक है, इमोशनल रूप से भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो क्या होना चाहिए करिकुलम का, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, इन सारी मतलब
चीज़ों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इसी को सर्वांगीण विकास बोला जाता है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यचर्या ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। अब पाठ्यचर्या ही है जो विद्यार्थी को क्या करता है, संपूर्ण विकास करता है। माने कि एक स्कूल में मतलब जाता है स्टूडेंट, तो क्या हुआ, केवल थोड़े पाठ्य पुस्तक ही रटवाया जाता है, बल्कि उसको क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाया जाता है, वह सहगामी क्रियाओं में भी भाग लेता है। और इस प्रकार क्या होता है, उसका और भी मतलब उसका जो सृजनात्मक माइंड होता है उसका भी विकास होता है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या में भी विकास होना चाहिए। देखिए, आपको तो पता है कि 10 साल पहले जो करिकुलम था वो आज नहीं है। 1 डिकेड के बाद हमेशा चेंज होता है, चूँकि समय और सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, बदलाव होता रहता है। चूँकि हमें तो पता है कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब परिवर्तन ही संसार का नियम है और जब प्रकृति ही परिवर्तन करती है, तो क्या करिकुलम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, आप ही बताइए, जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। इसीलिए समय एवं परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, करिकुलम में भी विकास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हो जाए। देखिए, जो पाठ्य करिकुलम होता है उसमें चेंजिंग इसीलिए ज़रूरी होता है कि जो स्टूडेंट है केवल मतलब बुकों से केवल इतिहास भूगोल इसका बस नॉलेज ही नहीं ले, बल्कि भविष्य में उसकी समस्याएं क्या हो सकती है इससे भी अवगत हो पाए। देखिए, आज हम लोग क्या है, बहुत डेवलप हो रहे हैं, अनेक इंडस्ट्री, अनेक मतलब साइंस की वजह से बहुत कुछ नया नया चीज़ आविष्कार हो रहा है। लेकिन आप पानी का भी देखिए, पॉल्यूटेड होता जा रहा है पानी। तो कहने का सेंस है, जब करिकुलम तैयार किया जाता है तो अभी क्या है, उसमें सावधानी भी बढ़ता जाएगा। ये तो सत्य है कि पानी मतलब ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन वाटर के भी क्या होना चाहिए, क्लीननेस उसकी, मतलब बहुत ऐसा जगह, गुजरात में ही देखिए, गुजरात का एक ज़िला है जहाँ पे मतलब पानी खरीदना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही पानी खरीदना पड़ता है, बहुत पैसा उसका खर्चा हो जाता है। अब सोचिए, भारत जैसे देश में पानी की समस्या हो जा रही है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, ज़्यादा लोग क्या कर रहा है, मतलब मिनरल वाटर पीना पसंद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी का अशुद्धियाँ है। तो करिकुलम इस बात को ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम बचाव करें कि हमारे नदियाँ जो है उसका पानी पॉल्यूटेड ना हो। नदियों के पानी पॉल्यूटेड होने से क्या हो रही है, जो जैव विविधता है हमारे यहाँ, एनिमल्स है पानी पियेंगे, उनके लिए भी जहर का काम करेगा, इंसान के लिए भी करेगा, जिस फसल में जाएंगे उसके लिए भी करेगा। तो इस प्रकार अनेक जो कीटनाशक दवाएँ हैं जो इंडस्ट्री छोड़ती है, तो उन पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो इन सारे बातों से बच्चों को क्या करेंगे, अवगत कराएंगे। इसीलिए किसी भी पाठ्यचर्या का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए पाठ्यचर्या का चयन करना कोई आसान बात नहीं है, इन सारी बातों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। सामान्य रूप से पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, उसकी बाह्य आकृति और मूल्य प्रथम दृष्टि में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग जाते होंगे किसी भी मतलब बुक को खरीदने, मानिए सपोज आप लोग बीएड करेंगे, बीएड के बाद आप लोग क्या सोचेंगे, भाई सीटेट के एग्ज़ाम दें, तो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए तो आप सोचेंगे ना कि भाई क्या पढ़ें कि उसका एग्ज़ाम हम अच्छा से दे दें। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, पहले पुस्तक का नाम का पता लगाइएगा, अरे पुस्तक का कौन सा पुस्तक हम खरीदें, किस पब्लिकेशन का खरीदें। तो कोई कहेगा अरियंत का ले लीजिए, कोई कहेगा उपकार का ले लीजिए, कोई कहेगा दिशा का ले लीजिए, मतलब मार्केट गाइड का कमी नहीं है, ढेर सारे हैं। तो कोई कहेगा अरे इस लेखक का लीजिए, मतलब सब लेखक अपना नाम रखेगा लो। तो फिर आप जाइएगा तो मानिए कि आपको मन किया अरे अरिहंत का तो बहुत गलत आता है, उपकार कहीं थोड़ा सा ठीक है उसका ले लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, उस पर देखिएगा उसकी बाह्य आकृति क्या है, मैंने बाहर का सब बढ़िया कवर ओवर है ना। फिर आप मूल्य भी देखिएगा कि भाई मेरे बजट का है कि नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को कोई अगर अट्रैक्ट करता है तो वो है पुस्तक का नाम बढ़िया होना चाहिए, लेखक का नाम, उसकी बाह्य आकृति कवर ओवर अच्छा होना चाहिए, मूल्य उसके बजट के अनुसार होना चाहिए। तो ये क्या होता है, प्रथम दृष्टि में, प्रथम फर्स्ट मतलब नहीं कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, उसी समय आप इम्प्रेस हो जाइएगा और उस बुक को आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, देखिए आगे है,
ये सभी पुस्तक के चयन के आधार अवश्य हैं। देखिए ये जो हम लोग चर्चा किए हैं अभी अभी जो चर्चा किए हैं वो क्या है, ये सब पुस्तक के चयन के आधार हैं। क्या है? चयन के आधार है पुस्तक के, ये सब पुस्तक के चयन के आधार है। देखिए तो क्या क्या था है, पुस्तक का नाम है, लेखक पुस्तक का नाम देखेंगे, लेखक का नाम देखेंगे, ये लेखक बढ़िया है कि नहीं, फिर बाह्य आकृति देखेंगे, फिर उसका मूल्य देखेंगे। ये क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। उसके बाद देखिए किंतु किसी भी पाठ्यचर्या के चयन में अन्य कई महत्वपूर्ण पक्षों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन हो गया कि आप कहीं जाइएगा तो पहले पुस्तक का नाम मतलब पूछिएगा कौन पुस्तक है, फिर उसका लेखक देखिएगा, फिर कवर देखिएगा, फिर उसका मूल्य देखिएगा। लेकिन क्या इसी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। करिकुलम के चयन के लिए क्या करना पड़ता है, अनेक पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः करिकुलम के चयन एवं निर्माण प्रक्रिया इस प्रकार है। देखिए क्या क्या और इसके अलावा ध्यान देना पड़ता है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए चयन के लिए पहला तो पुस्तक का नाम, फिर लेखक, विषय सूची, अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन, प्रस्तुतिकरण, उदाहरण एवं चित्र, शैक्षिक सहायक साधन, फिर आपको क्या है, पाठ्य पुस्तकों की बाह्य आकृति, मूल्य, प्रकाशन। तो देखिए पहले क्या आप देखिएगा, पाठ्य पुस्तक का नाम देखिएगा, फिर लेखक का नाम, फिर विषय सूची उसमें क्या क्या कितना कंटेंट है, फिर अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन उसके अंदर देखेंगे किन किन वस्तुओं का समावेश किया गया है कंटेंट का। जैसे माने कि आपको आपको जैसे बीएड सेकेंड पेपर का तैयारी करनी है तो सीडीपी का लीजिएगा तो उसमें देखिएगा ना कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें कॉन्टेंट है कि नहीं, उसमें अंतर्वस्तु है कि नहीं, उसमें संगठन है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा कि नहीं, तो देखिएगा ना कि उसमें क्या क्या मतलब है मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। फिर प्रस्तुतिकरण देखिएगा कि भाई इसमें जो कुछ कंटेंट है क्या उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा से किया गया है कि नहीं, कहीं इधर का उधर कैसे भी तो नहीं लिख दिया गया है। उसमें देखिएगा कंटेंट कि भाई सीडीपी का है तो कोहलवर का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, प्याजे का आता है, ये चमोस्की का आता है, बंडूरा का आता है, तो कहने के सेंस उसमें देखेंगे कि बढ़िया से प्रस्तुतिकरण किया गया है कि नहीं। यदि कोहल बारे वर्ग के बारे में चाहे प्याजी के बारे में या वाइगोस्की के बारे में समझाया गया है तो ऐसा प्रस्तुतिकरण है ना कि हम खुद से पढ़ के समझ जाए, तो इस इन सब बातों को आप ध्यान देंगे ना। फिर उदाहरण उचित, फिर उसमें क्या एग्जाम्पल देखिएगा कि क्या एग्जाम्पल बढ़िया दिया गया है कि नहीं। अब वाइगोस्की का सिद्धांत लिखा है तो उसमें जेडीपी लिख दिया और जेडीपी को एग्जाम्पल से नहीं समझाया है तो क्या कभी आपको समझ में आएगा? इम्पॉसिबल, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद देखिए शैक्षिक सहायक साधन, फिर उसमें क्या है एजुकेशनल जो उसमें जो साधन जो सहायक होते हैं वो है कि नहीं। फिर पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति भी देखिएगा कि भाई बढ़िया है कि नहीं, साड़ा उड़ा कैसे भी पेज नहीं ना है कि एक बार पढ़े बस फट जाए। फिर उसके बाद प्रकाशन भी देखिएगा कि किस प्रकाशन का है, ठीक है। फिर उसका मूल्य पर भी ध्यान दीजिएगा कि भाई इसका मूल्य कितना है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग समझेंगे क्या पाठ्य पुस्तक का नाम, क्या समझेंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक का नाम समझेंगे, क्या समझेंगे पाठ्य पुस्तक का नाम। देखिए यहाँ पे है जब करिकुलम की चयन करनी होती है तो हमें पाठ्य पुस्तक के नाम एवं उसकी उपयुक्तता का भी चयन करते हैं। देखिए जब करिकुलम हम चयन करते हैं तो पाठ्य पुस्तक का नाम पर हम ध्यान देते हैं, इसका तो बार बार हम लोग मतलब हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता का भी चयन करते हैं कि भाई ये हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। और इस प्रकार करिकुलम की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, करिकुलम का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाता है कि भाई हम जो बुक ले रहे हैं, जो हम ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, उसमें मतलब जो उसमें लेखक का नाम है वो कैसा है इसको भी अब हम लोग समझेंगे। तो सेकेंड में क्या हुआ है, हम लोग ध्यान देंगे लेखक के नाम पर, किस पर ध्यान देंगे, लेखक का नाम। तो देखिए पाठ्यचर्या की चयन एवं निर्माण प्रक्रिया में लेखक की योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखिए अब वो जो लेखक लिखा है ना तो ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि यदि हम उसे पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है आ जाए। मतलब अब जैसे प्याजे है तो उनके बारे में ऐसा ना लिख दे कि सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाए, क्योंकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना नहीं रहता है कि इधर का उधर तिल का तार चाहे कुछ भी आम का इमली लिख के आ जाए, ठीक है। सीटेट में तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप लोग को तो पता ही है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसमें विश्वसनीयता एवं वैधता होती है, और ऐसे क्वेश्चन वही लोग बना पाते हैं जो पढ़े हों, ठीक है, कोई नहीं बना सकता है। ना ही इसमें टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स दे सकता है क्योंकि इसमें फिक्स रहता है,
एकदम सही लिखे हैं तो सही मार्क्स मिलेगा। और लॉन्ग में क्या है, टीचर के मूड पे है, मन करेगा तो आपको जितना मन करेगा उतना ही नंबर देगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या के चयन एवं निर्माण प्रक्रिया में लेखक की योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखिए, जो लेखक है क्या होना चाहिए, उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, उसके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, वो जो कुछ भी समझाया है उसके विचार में स्पष्टता होनी चाहिए, समझ में आ जाए कि JDP क्या है, इसके फॉल्डिंग क्या है, बच्चे कन्फ्यूजन नहीं रहे। बच्चे तो अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप लाख वाइगोत्स्की का पढ़िए फिर आप कन्फ्यूज हो जाता है, अरे यार इसके फॉल्डिंग क्या है या JDP क्या है। साथ ही निष्पक्षता या मौलिकता भी होनी चाहिए, वो क्या है, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। लेखक की विषय विशेषज्ञता, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान एवं प्रगतिशील विचारधारा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लेखक हो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक टीचर को आप देखिएगा टीचिंग लाइन में इतना CDP क्यों पूछा जाता है, साइकोलॉजिस्ट टाइप क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, आखिर और सब एग्जाम में क्यों नहीं पूछा जाता है। इसीलिए कि एक टीचर को क्या करना है, जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, देश के फ्यूचर, मतलब वो अपने परिवार के, देश के, समाज के, राष्ट्र के, सबके भविष्य हैं, फ्यूचर हैं। तो टीचर क्या होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के मन को पढ़ ले, उनका मन के अध्ययन कर ले कि हमारे बच्चे में कैसे, इनका किस में रुचि है, किस में योग्यता है। तो इसीलिए उसे मनोविज्ञान का भी ज्ञाता होना चाहिए, प्लस उसको क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। आखिर आजकल देखिए नियम क्यों बना दिया गया है, कोई जो BED या DL किया रहेगा वही टीचर बन पाएगा, क्योंकि जो BED में है मानिए कि इसमें पूरा साइकोलॉजिस्ट टाइप ही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी मतलब। अब देखिए, अब फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में जो आपको चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो है कोर्स 1, उसमें क्या पढ़ना है, पूरा साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना, चाहे आप कोर्स 3 उठाइए उसमें भी देखिए थर्नाई पावलो सब उन्हीं लोग के बारे में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट का जो विचारों के बारे में पढ़ना है और अपना भी दिमाग इसी तरह विकसित करना है। तो एक टीचर में इन सारी भावनाओं को क्या होने चाहिए, उनमें मतलब गुण रहना चाहिए, क्वालिटी रहना चाहिए, जिससे क्या हो स्टूडेंट को मतलब उनको भी सुविधा मिले कि अच्छे मेरे टीचर ऐसे हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर में देखिए विषय सूची का मतलब होता है उसमें कंटेंट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, करिकुलम कौन सा है, विषय सूची का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र भी होना चाहिए। देखिए, जैसा करिकुलम है उसी कौन सा विषय सूची है, जैसे हिंदी का है तो उसमें हिंदी के बारे में प्रेमचंद के बारे में लिखा होगा, अब हिंदी का है तो उसमें किसी और के बारे में नहीं ना लिख दिया रहेगा। तो जैसा है, जैसे हिस्ट्री है तो उपलब्धियों का अध्ययन है, मतलब कितना लोग कहता है कि भूत का अध्ययन है, चाहे मरे हुए लोग के बारे में पढ़ाई लिखी गलत बात है। अगर इतिहास को देखिएगा तो इतिहास हुआ है जो उपलब्धियों का अध्ययन है, जिन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त किए उन्हीं का तो अध्ययन हम लोग करते हैं। उस समय भी तो बहुत लोग थे, अब आज़ादी के समय भी देख लीजिए कम से कम 34 करोड़ लोग थे, क्या उन सभी के बारे में पढ़ा जाता है, नहीं, जो उपलब्धि प्राप्त किए उन्हीं के बारे में पढ़ा जाता है। तो इतिहास क्या है, उपलब्धियों का अध्ययन है। अब हम लोग 4 नंबर पढ़ेंगे, अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन। देखिए, अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन में हम लोग क्या ध्यान देंगे, लक्ष्य एवं उद्देश्य पर। करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और प्लस उसमें क्या होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, एक्टिविटी को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। सेकेंड आपको है अधिगम अनुभव भी रहना चाहिए, अधिगम अनुभव मतलब अनुभव को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो महान महान विचारक है उनका क्या अनुभव है, प्लस चाइल्ड सेंटर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद से देखिए शिक्षा विद्यार्थी जीवन अनुभव, टीचर और स्टूडेंट के जो जीवन का जो अनुभव है वो भी शामिल होना चाहिए, और उसके बाद छात्रों की योग्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए, प्लस शिक्षण सूत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। इन सारे के बाद क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन का तो मतलब आप लोगों को पता है, आकलन करना, सही गलत का आकलन करना, बच्चों की कमियों पहचाना, कमियों पहचान के क्या करना, उसका उपचार करना, ठीक है, उसकी त्रुटियाँ को क्या करना, त्रुटियाँ देख के उसको मतलब एकदम टॉर्चर नहीं करना, अरे तुम कमज़ोर हो नहीं, बल्कि कहना चाहिए अरे तुम जो त्रुटियाँ कर रहे हो ये क्या है, तुम्हारे लिए सीढ़ी है, तुम कुछ कर सकते हो। तो टीचर को ऐसा मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, ना कि बच्चों का एकदम डाउन कर दे कि बच्चे बोले वह पढ़ाई लिखाई बेकार, हमसे नहीं होगा, टीचर को ऐसे नहीं होना चाहिए। अंतर्वस्तु का चयन में उपरोक्त सभी का समावेश, साथ ही प्रजातांत्रिक मूल्य का भी समावेश होना चाहिए। देखिए, हमारा जो अंतर्वस्तु का जो चयन हम लोग कर रहे हैं उसमें सभी का समावेश होना चाहिए, उपरोक्त हम जो भी हम लोग पढ़े हैं, लक्ष्य उद्देश्य अधिगम अनुभव, शिक्षण विद्यार्थी जीवन अनुभव, छात्रों की योग्यता, शिक्षण सूत्र, क्रियाशीलता, बाल केंद्रित, मूल्यांकन, इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, तब हमारा करिकुलर
करिकुलम क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बेस्ट करिकुलम ही प्रस्तुत करना है। अब देखिए इसमें प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, अब प्रस्तुतिकरण पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए प्रस्तुतिकरण है करिकुलम के अंतर्गत तो जो भी प्रस्तुतिकरण एवं गुण होने चाहिए इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट नंबर है छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता। देखिए एक करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो छात्र को क्या बताए कि तुम खुद करो, करके सीखो। जैसे जॉन डीवी है, उनका भी क्या कहना है, प्रोग्रेसिव शिक्षा का समर्थन करते हैं। उन लोग का क्या कहना है, करके बच्चा सीखेगा उतना ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा। चाहे प्याजे को देख लीजिए, सबका यही कहना है कि बच्चा करके सीखे, बच्चा खुद एक लिटिल मतलब वैज्ञानिक है, वो खुद सीखेगा, खुद करेगा, गलतियाँ करते सही करना सीखेगा। सेकंड नंबर में छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए और छात्र में को ऐसा मोटिवेट करने वाला करिकुलम बनाना चाहिए जिसमें क्या हो, छात्र को जैसे जीवनी पढ़े किसी का भी तो उस इंटरेस्ट हो कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी जिंदगी मिली है तो कुछ उपलब्धियाँ हमें भी हासिल करना चाहिए। और उपलब्धियाँ हमको सोए रहने से नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। थर्ड नंबर में देखिए सीखने के नियम एवं सिद्धांतों का अनुसरण रहना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो लर्निंग के नियम होना चाहिए, फिर उसमें प्रिंसिपल भी होना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर में छात्रों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। फिर वो छात्र की मानसिक भावनाओं को उनके संवेगात्मक भावनाओं के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि इतना कठोर लाद दिया जाए करिकुलम कि बच्चे बोरिंग हो जाए, नीरस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइव नंबर में बालकों के मानसिक विकास में सहायक होना चाहिए। बालकों का क्या करें, मेंटल ग्रोथ करे, ऐसे करे कि मेंटल डेवलपमेंट हो, ना कि मेंटल गिरावट हो जाए, मेंटल टॉर्चर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिक्स नंबर में उपयुक्त एवं सरल भाषा शैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपयुक्त एवं सरल भाषा शैली, जो यूजफुल हो वही होना चाहिए प्लस सरल भाषा शैली होनी चाहिए। अब सिक्स नंबर देखिए पॉइंट हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इसमें सिक्स नंबर है उदाहरण एवं चित्र आदि भी होना चाहिए। करिकुलम में क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल एवं चित्र आदि होना चाहिए। इसमें आ जाएगा आपको तालिकाएं होनी चाहिए, ग्राफ होनी चाहिए, रेखा चित्र होनी चाहिए, मानचित्र होनी चाहिए, आदि की अस्पष्टता, आकर्षकता एवं शुद्धता होनी चाहिए। आंकड़ों के उदाहरणों एवं संदर्भों की पर्याप्त संख्या, उनकी विश्वसनीयता एवं व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यदि आपको भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल में आप लोग को पढ़ाना है तो उसमें आपको उत्तर आयांत या दक्षिण आयांत समझाना है बच्चों को। चाहे मानिए कि रिवोल्यूशन के बारे में समझाना है तो कैसे समझाइएगा, चार्ट बनाना पड़ेगा ना, चार्ट में आप मतलब बनाइएगा गोल, चार्ट बना के उसमें समझाइएगा कैसे आठ ग्रह है जो क्या कर रहे हैं, सूर्य की जो चारों चक्कर मतलब चक्कर काट रहे हैं है, तो कैसे हमारा विषु हो रहा है, कैसे विषु के दिन दिन और रात बराबर होते हैं, कैसे दक्षिण आयांत होता है जब मतलब 22 दिसंबर को, कैसे उत्तर आयांत होता है 21 जून को। तो बच्चों को समझाने के लिए क्या कीजिएगा, चार्ट का यूज कीजिएगा, फिर मॉडल का यूज कीजिएगा। तो देखिए अब शैक्षिक सहायक साधन समझेंगे। शैक्षिक सहायक साधन में क्या होना चाहिए, उपयुक्त निर्देश होना चाहिए, उसमें निर्देश देना चाहिए, आदेश भी कि बच्चों को ये आपको करना है, ठीक है। ऐसा सहायक साधन देना चाहिए जिससे उनका डेवलप हो। प्रस्तावना भी होनी चाहिए, यथार्थकता भी होनी चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए, सहायक पुस्तकों की सूची भी होनी चाहिए, आदि का समुचित समावेश होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए शैक्षिक सहायक साधन में, शैक्षिक सहायक साधन में क्या होना चाहिए, उपयुक्त निर्देश होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, और साथ ही सहायक पुस्तकों की सूची आदि का समुचित समावेश भी होना चाहिए। अब हम लोग सिक्स नंबर टॉपिक पढ़ लिए, अब आपको आप एट नंबर में देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाठ्य पुस्तकों की बाह्य आकृति क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति कैसा होना चाहिए। करिकुलम के चयन के समय पुस्तक के आकार, पृष्ठ संख्या, कागज, मुद्रण, जिल्द, साजी, आवरण, पृष्ठ की आकर्षकता आदि तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। पुस्तक तैयार किया जा रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को क्या ऐसा मतलब उसका कवर बनाया जाए कि बच्चे उसे अट्रैक्ट हो, ना कि एक मतलब उनको बोरिंग लगे कि मेरा बुक पुरान लग रहा है। देख रहे हैं छोटे बच्चों में कितना अट्रैक्शन होता है कि मेरा बुक बहुत नया है। और उसी प्रकार से देखिए बच्चों का बुक भी आता है। फिर प्रकाशन, करिकुलम के चयन में पुस्तक की विश्वसनीयता एवं प्रसिद्धि होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पुस्तक की क्या उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। प्रकाशन की तिथि भी होनी चाहिए, उसमें प्रकाशन का तिथि हो कि इस टाइम में प्रकाशन किया गया है, उसमें वैधता विश्वसनीयता हो, ज़्यादा डिसप्रिंटिंग नहीं होना चाहिए।
मूल्य, पुस्तक का मूल्य जन सामान्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाना चाहिए। पुस्तक का मूल्य जो क्या होना चाहिए, जन सामान्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाना चाहिए तथा यथासंभव न्यूनतम भी होना चाहिए। उसका मूल्य भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चे क्या है उसको पढ़ सके, नहीं कि जो बच्चे के पास पैसा नहीं है पैसे का अभाव नहीं प्राप्त करे। तो इस प्रकार अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था। लिखने की कला का विकास लगभग 6 वर्ष पूर्व हुआ। करिकुलम का विकास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और देखिए इस प्रकार आप लोग समझिए कि जो स्टार्टिंग में मौखिक रूप से दिया जाता है और जो लिखने का कला का जो विकास हुआ 6000 वर्ष पूर्व हुआ और करिकुलम का विकास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इसीलिए क्रूनबैक ने कहा है अमेरिका में आज के शैक्षिक चित्र का केंद्र बिंदु करिकुलम है। तो क्रूनबैक नामक मनोवैज्ञानिक जिनका कहना है अमेरिका में आज जो शिक्षण व्यवस्था है उसका माध्यम क्या होता है, चित्र ही उसका करिकुलम होता है। यानी चित्र का ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिससे बच्चे क्या होंगे उसको ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। इस प्रकार दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वीडियो को यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए जिससे आगे का जो वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।